Hi guys, hope you guys are doing good. Aaj chahat paaji sade layi surprise leke aaye ne. Unne paaji dassange ki leke aaye ne ki nahi leke aaye ne. Badi mast cheez hai. Garma garam barish padke hati hai. Barish mein dekho garma garam cheez khane ka dil karta hai. Pakode hum kha chuke hain. Video aapne dekhi hogi channel pe hai hi hai. In short, ye mausam kafi thanda hai. तापमान के अनुसार वो चीज परफेक्ट है। ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गो। चलो जैसे भी आपकी शॉप का नाम बिट्टू मोमोज है, आपका नाम ये बिट्टू? बिट्टू मोमोज मेरे लड़के के नाम है। ओके हाँ जी। और खुद मेरे नाम अनिल है। ठीक है हाँ जी। आपने अपने बेटे के नाम पे शॉप रखी हुई है? हाँ जी। तो कितनी पुरानी भैया शॉप अपनी है? सर बहुत काफी पुराना, हमारा मामा जी चलाया करता था, हमारा एक साथ काम करते थे, 22 साल पुराना हो गया। ओके, ये आपके मोमोज आ गए? हाँ जी हाँ जी, ये अभी मोमोज है। ये आपका क्या है? ये लगेगा जी मसाला, ये जो आप बता रहे थे मोमोज पर मसाला लगा के, कुरकुरे मोमोज लगेगा। ओके, ये कुरकुरे मोमोज लग रहे हैं। हाँ जी, भैया ने पहले मोमोज पे मसाला लगा दिया। हाँ जी, मोमोज पे कोटिंग हो रही है मसाला की। हाँ जी। ओके, मोमोज सीधा ब्रेड क्रम्स में। ओके, बिल्कुल लाइव ही प्रिपेयर होके, हमने पहले रखे नहीं हुए ना बना के। ये फिलिंग वेजिटेबल्स की होती है मोमोज में? हाँ जी, वेजिटेबल काफी प्रकार की, इसमें गोभी डालता है। ठीक है, फुल गोभी भी डालेंगे जी, इसमें ब्रोकली डालता है, बीन्स, गाजर, बाकी अदरक लहसुन भी डालता है जी। प्रॉपर मतलब आपने कोटिंग कर दी ना ब्रेड क्रम्स की, एकदम कुरकुरे हो जाएंगे, इससे ही पता लग रहा है। मोमोज आ गए बीच में, देखो यार ट्राई होने के लिए। ज्यादा हीट में नहीं रहना इसमें। ओके, ये कौन सी अभी व्हाइट चटनी है? इसमें अमूल क्रीम है। अमूल क्रीम, क्रीम का क्रीम है। ओके, ये पुदीना और दही, पुदीना और दही वाली चटनी है वो। लगा दे बाबू। बहुत सही यार, बहुत सही। कलम देख के ना भूख ज्यादा लग गई मेरे को। तो अभी बिहाइंड द कैमरा आपको दिखा नहीं सकता कार्तिक मोमोज को कैसे देख रहा है। प्लेट ही बहुत अच्छी ना, हमने डेकोरेट करके दे दिया। हमारे पास जो क्रीम जो है ना, ये क्रीमी का क्रीम और अमूल क्रीम मिक्स होकर बनता है, कोई ये लोकल कोई म्यूनिस व्यूनिस नहीं बनाते हम लोग। अच्छा, अमूल क्रीम और क्रीम का क्रीम डालते हो, मेयोनीज नहीं डालते आप? नहीं जी। अब भाई हाथ में तेरे प्लेटा पूछ, बेको रहा खाऊंगे। चेक करो यार आप मोमोज, ये बिल्कुल क्रंची मोमो है, जबरदस्त। जस्ट ओपन दिस मोमोज, आवाज से सुन पा रहे होंगे। ये पोस्टमार्टम कर दिया इसने मोमोज का, अंदर फिलिंग चेक करो आप। देखो भाई, एंड विद दिस ग्रीन सॉस, लिटिल बिट ऑफ एकदम भाई भाप निकल रही है, पता लग रहा है मोमोज गर्म है। लाओ फिर इधर भी खिलाओ। डोंट वेट करो। अब ये कौन से मोमोज बना रहे हो? ये सर तंदूरी मोमोज बना रहा हूँ। तंदूरी मसाला लगेगा पहले, ये तंदूरी रोस्ट होगा, रोस्ट होके फिर इसमें जो भी मसाला क्रीम वगैरह लगेगा। ठीक है जी। ये तंदूरी में प्याज वगैरह भी डलते भी है साथ? नहीं सर, ये तो मोमोज को रोकने के लिए। ओके हाँ जी, सीख में रोकने के लिए। हाँ जी हाँ जी, नहीं तो मोमोज रुकेगा नहीं ना। सही है सही है, क्योंकि यही मोमोज हम लोग इसको फ्राई करके भी दे सकते हैं, इसी को फ्राई करके ना। ओके हाँ जी, बाकी मसाला जो लगता है, एक्चुअली जो मसाला जो लगता है हमारा जी, मेन कढ़ाई में पड़ता है सबसे बढ़िया मसाला। ठीक है, क्योंकि कई बार भीड़ के चक्कर में हम बना नहीं पाते, जल्दी से तंदूर में नहीं डाल पाते। ओके, इसी चक्कर में हम इसी मसाला को लगा के फ्राई कर देते हैं रोस्ट रोस्ट की जगह। समझ गया, वो भी बेहतरीन होता है, बहुत बढ़िया। मेन ये भी चीज़ में ना मैं आपको बताता हूँ, हम खाते रहते हैं मेन, मैंने देखा लोग तंदूरी मोमोज को ना ये समझते कि तंदूरी सॉस लगा दो। इसको हमने तंदूर में, भैया कह रहे हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लोगों को पसंद आता है इनकी आइटम। हाँ, ये बेस्ट सेलर है इनका, ये तंदूरी मोमोज। ये मोमोज लग गए हमारे तंदूर में और थोड़ी देर में ये भी रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। ये मोमोज आ गए तंदूर से बाहर बिल्कुल, और स्टीमिंग हॉट है यार, चेक करो कैसे स्टीम निकल रही है इसमें से। देख के ना भुख बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
ये मसाला रेडी हो रहा है तंदूरी मोमोज का। तंदूरी मसाला आ गया इसमें, प्याज आ गए, कैप्सिकम आ गया, अभी फ्रेश अमूल क्रीम आ गई। क्या बात है, चाट मसाला बिल्कुल चांप जैसी प्रिपरेशन है इसकी। अच्छा, नीचे गर्म होते होते इसको लगेगा। यार स्टीम चेक करो आप इनकी, सिजलिंग कैसे हो रही है ना यहाँ पे, बहुत जबरदस्त। लो प्लेट लो। आपको एक्सपीरियंस बहुत लग रहा है भैया, जो आपका देख रहे हैं ना चीज, एक प्लेटिंग और एक ये जो आपकी लुक आ रही है काफी पुराना। कितने साल हो गए आपको ऐसे ही सेम इसी फील्ड में भैया? यहाँ पे आया तो ज्यादा नहीं, 7-8 साल हो रहा मेरी रेडी लगाते हुआ। ठीक है जी। और बाकी मैं मेरी रेस्टोरेंट भी था। रेस्टोरेंट कहाँ पे भैया? ये सर कचहरी में, फरोज गांधी मार्केट में। ओके, रेस्टोरेंट। हाँ जी भैया ने होटल्स में काफ़ी जॉब की है और रेस्टोरेंट भी था इनका। तो भैया बाकी मोमोज पे आओ, मोमोज चेक करो कितने स्टीमिंग हॉट हैं, बहुत सही मसाला। मेरे को देख के ही बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है। अभी कार्तिक प्लेट दे दे इधर फटाफट। ये मुश्किल पहुँचे शायद ही मुश्किल। मोमोज देखने में ही ना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। हैगी है भाजी, बेस्ट सेलर हैगा। मोमोज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। मतलब जो मोमो के शौकीन है ना, वैसे तो जो चाँप के शौकीन हैं वो भी खा सकते हैं। चाँप का ही फ्लेवर आ रहा, तंदूरी सा ना इसमें। वेरी वेरी नाइस भैया। टाइमिंग्स क्या क्या अपनी, थोड़ी टाइमिंग्स बता दो लोगों को। टाइम सर हमारा 4 बजे के बीच में, 4 बजे तक हम दुकान में आ जाते हैं, 4:30 बजे रेडी हो जाता हमारा, और रात को 10:30 बजे तक। 4 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक टाइमिंग है अपनी ना। हाँ जी। ठीक है भैया, कोई ऑफ संडे वगैरह ओपन? सब सातों दिन, सातों दिन खुलता जी, 365 दिन पूरे सालों का, पूरे दिन खुलता है। बहुत सही। हाँ जी। मेन जो बहुत बड़ी बात यार, यहाँ आओ एक मिनट, नीचे करो भाई। भाई लोग ये देखो, ये रेड सॉस का कलर देख रहे हो आप, रेड मोमोज की चटनी है रेड। सब्सक्राइब का जो बटन है ना वो नीचे दिखता होता है, आप देखते हो बटन को, उसको देख के आगे निकल जाते हो, और जो मोम वो सब्सक्राइब का बटन है ना रेड, उसको दबाओ, उसको ग्रे करो, उससे क्या होगा खुशियाँ। जैसे मोमोज की चटनी खाने से मज़ा आता ना, हमें आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से मज़ा आ जाएगा। सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाल बटन को लाल मत रहने दो, समझे भारत माता के लाल।